हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के शासनकाल को कुरीतिपूर्ण शासनकाल करार देते हुए कहा कि हमने हुड्डा के 10 साल के शासनकाल की कुरीतियों को दूर किया। मौजूदा सरकार ने 8 साल में उन कुरीतियों को दूर किया है और सबसे बड़ी चोट भ्रष्टाचार पर की है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसलिए उनके विरोध का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विपक्ष के बारे में हमेशा एक ही बात पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि वो किसी भी बात की प्रशंसा कभी करेंगे नहीं। अगर रचनात्मक तौर पर विपक्ष काम करता तो कहीं ना कहीं अपनी गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ता। वो हमेशा अच्छे काम की बुराई, बुरे काम की बुराई, न्यूट्रल काम की बुराई, उनका काम विपक्ष का काम केवल विरोध के नाते विरोध करना रह गया है और कुछ नहीं है। वो कम से कम अगर हम बताते हैं उनके 10 साल जो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश में जिस प्रकार का एक कुरीति पूर्वक जैसा उन्होंने शासन की व्यवस्था उस समय की थी, हमने उन सब कुरीतियों को दूर किया है। आज प्रदेश की जनता एक प्रकार से स्वच्छ प्रशासन की जो हकदार बन यानी हामी भर करके आगे बढ़ रही है, उसमें मुझे भी अच्छा लगता है कि हमने एक स्वच्छ प्रशासन दिया और एक भ्रष्टाचार के ऊपर चोट मारी है, हमने कास्ट सिस्टम पर भी चोट मारी है, हमने 5 S जिस मैंने कहा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इसके ऊपर सब लोगों को लाने की कोशिश की है। हरियाणा एक रहने की बात हमने की है। हरियाणा में कभी भी हमने इस प्रकार के क्राइम और करप्शन और कास्ट इन सब चीज़ों से दूर रखा है और आगे भी कभी इन चीज़ों को पनपने नहीं देंगे। वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आदमपुर चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ता प्रचार में जुटे हैं और आज से वो भी चुनाव प्रचार में शिरकत कर युवाओं के साथ विचार साझा करेंगे ताकि पता चल सके कि युवाओं की जरूरत क्या है और उसे किस तरह से पूरा किया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर बयान देते हुए कहा कि आज सफाई कर्मचारियों से प्रदेश सरकार की बैठक है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि समस्या का समाधान हो जाएगा और काम भी गिनवाए जा रहे हैं। मैं तो अभी प्रचार वहां करने गया नहीं, लेकिन मुझे जो समाचार मिल रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता लगे हैं, हमारे पार्टी के मंत्री, विधायक और सब लोग वहाँ गए हैं, जननायक जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं वो भी वहाँ गए हैं। हाँ, आज से मेरा उसमें कार्यक्रम में योगदान होगा और आज मैं एक युवाओं के साथ युवा संवाद कार्यक्रम जो है हमने तय किया है, उसमें हजारों युवा जो साथ जुड़ने वाले हैं। निश्चित रूप से उनके जो मन की आकांक्षा है वो भी मुझे जानकारी मिलेगी और मुझे भी प्रदेश के युवाओं के लिए जो हमने पहले सोचा है, जो हमारा ब्लूप्रिंट है, सब बताएंगे। हरियाणा का युवा, उसका भविष्य उज्ज्वल है और उसके चाहे शिक्षा है, चाहे उसका स्किलिंग है और चाहे खेल के नाते से उसका जो भविष्य है, इस प्रकार से युवाओं का रोज़गार, ये सब बातें हमारे ध्यान में हैं और हम लगातार उस पर लगे हुए हैं। हमारे यहाँ कुल मिलाकर के प्रदेश का हर वर्ग वो हमारी सरकार से संतुष्ट है, ऐसा मेरा मानना। बता दें कि मुख्यमंत्री खट्टर आज रोहतक में आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश में 10 दिन से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर भी आश्वासन दिया और कहा कि आज उसका समाधान हो जाएगा। सत्य खबर के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।